नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज कुंडार में दिल्ली की साई संस्कार फाउंडेशन और एसेंशन सेवा संस्था द्वारा विद्यार्थियों को जूते वितरित किए गए, साथ ही भविष्य में भी इस तरह के आयोजन की बात कही गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह खाती, साई संस्कार फाउंडेशन के कीर्ति मदान और एसेंशन सेवा के सोनाली भसीन सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। सामग्री वितरण को लेकर संस्था पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया गया। साथ ही भौतिक विज्ञान के शिक्षक दिनेश चंद भटके कार्यों की सराहना भी की गई। 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एचओली के जवानों ने कार्यवाहक कमांडेंट अजय पांडे की अगुवाई में वाहिनी कार्यालय परिसर में पौधरोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर उप कमांडेंट मनोज कुमार, वागेंद्र कुमार यादव, प्रशांत कुमार, समीर राणा, राजेंद्र पंत, गणेश सिंह, राजेंद्र सिंह, राजा राम सहित वाहिनी के जवान उपस्थित थे। इफ्को विपणन विभाग के सौजन्य व उत्तराखंड पारंपरिक उत्थान समिति द्वारा पद्मश्री बसंती देवी की अगुवाई में खतीगांव क्षेत्र में बृहद पौधरोपण अभियान चलाया गया। अभियान में शामिल ETF के अधिकारी, खतीगांव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे व ग्रामीणों द्वारा रोपित पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। उत्तराखंड पारंपरिक उत्थान समिति के अध्यक्ष राम सिंह द्वारा पर्यावरण के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर US अवस्थी व विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार का आभार भी व्यक्त किया गया। पिथौरागढ़ नगर पालिका द्वारा किराए पर दिए गए भवनों में निर्माण कार्य की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में सभासदों द्वारा बीते दिनों से दिया जा रहा धरना आज गुरुवार को भी जारी रहा। इस दौरान सभासदों ने नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। धरना देने वालों में पवन मेहरा, कमल पांडे, नीरज कुमार, रविंद्र बिष्ट, किशन खड़ायत, सरस्वती मखौलिया, भावना नगर कोटी, पूर्व सभासद चंद्रशेखर मखौलिया शामिल थे। सीमांत जनपद के धार्मिक, पर्यटन व सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने, शराब पीकर हुड़दंग मचाने, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा मिशन मर्यादा अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत जलजीवी प्रभारी निरीक्षक प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान टीम द्वारा बरम रोड पर आरोपी पंकज सिंह निवासी जमतली को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। चंडाक चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश चंद्र सिंह द्वारा अस्पताल रोड के समीप होटल में अवैध रूप से शराब पिलाने व बेचने पर केशव सिंह को गिरफ्तार किया गया। जिले भर में चले अभियान के तहत 34 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस व कोटपा अधिनियम में चालान की कार्रवाई की गई। जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक डीडीहाट हिमांशु पंत द्वारा चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। जिले भर में चले अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 81 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई कर 2 वाहन सीज किए गए। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। अलग अलग मामलों में लाखों की ठगी करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद झारखंड से गिरफ्तार कर 41 CRPC का नोटिस तामील कराया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गंगोलीहाट के चिटगल निवासी ललित पंत द्वारा गंगोलीहाट थाने में एक तहरीर दी थी कि मोबाइल वैधता समाप्त होने व सेवाएं जारी रखने के लिए BSNL अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने उनके खाते से 50,006 रुपये गायब कर दिए। राजेंद्र सिंह द्वारा पिथौरागढ़ कोतवाली में तहरीर देकर बताया गया कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति ने ऐप डाउनलोड कराकर 5,50,000 रुपये ठग लिए। हिम्मत सिंह निवासी दुरचू ने भी कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि ATM में पैसे फंसने पर कस्टमर केयर बात की गई तो एक अनजान व्यक्ति ने उनसे OTP और ATM नंबर मांगकर 1,10,208 रुपये खाते से गायब कर दिए। अनुष्का मेहर की रिपोर्ट में फोन पे पर ऑफर देने के नाम पर एक क्लिक करने पर 62,076 रुपये गायब होने की तहरीर कोतवाली पिथौरागढ़ में दी गई। तहरीर के आधार पर गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ कोतवाली में IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई। मामले में प्रकाश में आए आरोपी विकास मंडल लटरिया नारायणपुर झारखंड, नई मंसारी निवासी तारा बहाल झारखंड, मकसूद अंसारी झारखंड, शिवनाथ दत्ता निवासी मदनारी झारखंड को गिरफ्तार कर धारा 41 CRPC का नोटिस तामील कराया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मदन बिष्ट, प्रियंका इजराल, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, प्रकाश आर्या, विपिन ओली, मनोज कुमार और गीता पवार शामिल थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।